नमो बुद्धाय। ये सुंदर सूत्र एक उपदेश है। ये सूत्र उपदेश का नाम है पंचांग सूत्र। क्या नाम है? पंचांग। पंचांग मतलब पांच अंग के बारे में बताया गया सूत्र, यानी पांच कारण के बारे में बताया गया सूत्र है। तथागत भगवान बुद्ध ने बताया भिक्षु बनते लोगों को, जो कोई भिक्षु ये पांच कारण अच्छी तरह प्रहण करके और पांच कारण से युक्त हो गया तो उनको कहता है बुद्ध शासन संपूर्ण से परिपूर्ण करके निर्वाण को प्राप्त किया हो व्यक्ति है, उसको निर्वाण प्राप्त कर सकता है। किनको? जिन्होंने पांच कारण को हटाकर पांच कारण को अपना लिया है। अच्छी तरह प्रहान करने वाले, अच्छी तरह हटाने वाले, मिटाने वाले कौन सा पांच कारण है? यहां पहला कारण है पंचकाम संपत्ति पे जो इच्छा है उसको मिटाता है। क्या मिटा दिया है? पंचकाम पे जो इच्छा है वो मिटा दिया। दूसरा है क्रोध को मिटा दिया। ये कौन सी पांच चल रहा है? निवरण। तीसरा है नींद तथा आलसी को मिटा दिया। चौथा है मन का भटकना तथा मन का पछताव को मिटाना। पांचवा है शक को मिटा देना। अच्छी तरह ये पांच कारण मिटाने के बाद ऐसे माना जाता है कि वो व्यक्ति पांच कारण को मिटा दिया है। पहला कारण क्या है? पंचकाम पे जो मन जाते रहता है उसको मिटा देना, काम छंद मिटा दिया। दूसरा है क्रोध उत्पन्न, गुस्सा उत्पन्न होने वाला मन को हटाता है, यानी कि तीन विद को मिटाता है। तीसरा है आलसी तथा नींद को त्याग करना, यानी कि तीन विद को मिटाना। चौथा है मन भटकना एवं पछताना, यानी कि उद्दच्च कुक्कुच्च को मिटाना। पांचवा है शक को मिटा देना, शक संदेह को मिटाना, यानी कि विचिकिच्छा को मिटाना। ये पांच कारण को मिटा दिया होता है। कौन सा पांच कारण से संपूर्ण होना चाहिए? पहला है वो अपना सील को संपूर्ण करता है। पहला क्या है? सील को संपूर्ण करता है। सील को संपूर्ण करता है मतलब वो अभी प्रयास करता है सील सुरक्षा करने के लिए, प्रयास करना जरूरत नहीं, अभी अपना हो गया, अपना शरीर कांग जैसा बन गया, सील नॉर्मल हो गया, यानी कि अभी सील को सील रक्षा करने के लिए प्रयास करना जरूरत नहीं। दूसरा है समाधि को संपूर्ण किया। समाधि संपूर्ण किया मतलब पहला ध्यान, दूसरी ध्यान, तीसरी ध्यान, चौथी ध्यान संपूर्ण किया। तीसरा है प्रज्ञा भी संपूर्ण किया। प्रज्ञा मतलब अनित्य दुख अनात्म को उसी तरह समझना,
प्रज्ञा भी संपूर्ण किया। चौथा है विमुक्ति भी संपूर्ण हो गया है। विमुक्ति मतलब राग द्वेष मोह। पांचवा है विमुक्ति ज्ञान दर्शन संपूर्ण हो गया। विमुक्ति ज्ञान दर्शन मतलब संपूर्ण रूप से अरहत्व को प्राप्त हो गया। ये पांच कारण संपूर्ण हो गया। तो इनको कहता है उत्तम पुरुष जो बुद्ध शासन को संपूर्ण किया, हर तरफ से परिपूर्ण है ऐसा है। तो पहला पांच कारण को मिटाने के लिए कोशिश करेंगे तो बाकी पांच कारण आ जाता है। क्या करना चाहिए क्या? पांच निवरण को मिटाने के लिए को ध्यान करना चाहिए, जाके सोना नहीं। सोने से पांच निवरण खत्म होता है? नहीं, सोने से क्या होता है, पांच निवरण को पोषण करता है। पांच निवरण को पोषण करते करते फिर उसको सोना जरूरी हो जाता है। सोना जरूरत है तो अर्हंत अनुरुद्ध बांते जी 55 साल तक सोया नहीं, ना दिन में ना रात में। प्लीज कहा है 55 साल तक वो बांते जी सोया नहीं। जो ध्यान करता है ना, ध्यान करने से वो जैसे में लोग कहता है अच्छा अच्छा खाना खाओ, अच्छा अच्छा खाना खाने से शरीर पोषण हो जाता है। लेकिन अभी नया एक टैबलेट आ गया, गोली आ गया, वो खा गया तो खाना का सब कुछ हो जाता है, वो खाते रहता है। लेकिन तू लोग चिल्लाते तुम खाना नहीं खाए एक सप्ताह से, कमाल की आदमी कैसे तुम जीवन बिताता है, लेकिन एक गोली खाते रहता है रोज, शरीर का सब कुछ होता है उसमें से। वैसे ही नींद शरीर के लिए जरूरत है, अगर ध्यान करेंगे तो जरूरत नहीं पड़ता है। नींद के लिए जो कुछ जरूरत है वो ध्यान से मिल जाता है। ये सूत्र उपदेश है पंचांग सूत्र।